हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं नारायणी माता प्रसिद्ध मंदिर। अलवर ज़िले में सरिस्का क्षेत्र के किनारे स्थित पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। यह अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। यह मंदिर पहाड़ों के बीच में उसकी तलहटी में बसा हुआ है और इसके चारों तरफ जंगल नुमा क्षेत्र है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में पतिहार शैली में हुआ था। नारायणी माता का मंदिर अलवर ज़िले में दौसा की तरफ विश्व प्रसिद्ध भानगढ़ किले के लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अलवर ज़िले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जयपुर से यह 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दौसा से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है, मंदिर के पास एक पानी का कुंड बना हुआ है। इस कुंड में कुछ सफ़ेद रंग के छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। जब पानी के अंदर इन छोटे छोटे पत्थरों को देखा जाता है तो आभास होता है जैसे कोई सिक्के पड़े हुए, लेकिन जैसे ही उन पत्थरों को हाथ में उठाकर पानी से बाहर देखते हैं तो वो सिर्फ पत्थर ही दिखाई पड़ते हैं। कई लोग इस बात को चमत्कार भी मानते हैं। मंदिर के कुंड के पानी को लोग गंगा की तरह पवित्र मानते हैं और लोग इस पानी को बर्तन में भरकर अपने घर भी ले जाते हैं। वह पानी में कुंड स्नान भी करते हैं। मान्यता है कि स्नान करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। नारायण माता का जन्म मोरागढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम विजयराज तथा माता का नाम रामती देवी था। उनका बचपन का नाम कर्मा था। वह बचपन से ही कर्म धर्म में विशेष रुचि रखती थी। नारायण माता का विवाह राजगढ़ निवासी करुणेश जी के साथ हुआ। 2 साल बाद जब उनका गोना किया गया तब वह अपने पति के साथ मोरागढ़ से राजगढ़ के लिए प्रस्थान करती है। बीच रास्ते में उसकी पति की मृत्यु हो जाती है तो अपने पति के साथ में ही वह भी सती हो जाती है। उसकी याद में इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया गया था। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।